प्रिय भक्तों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निःसंतान ही रहना पड़ता है, और वो कौन से कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती माता दुर्गा से पुत्र न प्राप्त होने की समस्या का समाधान पूछने के लिए जाती है और माता दुर्गा से कहती हैं, हे महेश्वरी, आज मैं आपसे नवरात्रि पर्व में स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति हेतु ज्योत जलाने और उनके परिवार की रक्षा हेतु कुछ उपाय पूछने के लिए आई हो। तो माता दुर्गा कहती हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने सारे मनोकामना को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे मनोकामना का आशीर्वाद दूंगा। माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला मनोकामना यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रहती है, और मेरा दूसरा बात यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता दुर्गा माता पार्वती के तीनों मनोकामना को सुनकर बोली, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सारे बातों का उत्तर मिल जाएगा। आपको ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो माता पार्वती कहती हैं, आप कथा सुनाए माता, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए माता दुर्गा कहती हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे, और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, और वो अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए माता दुर्गा देवी कहती हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर माता दुर्गा कथा को आगे बताते हुए बोली, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी, और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम सुमन था। बेचारी सुमन घर का सारा काम करती थी, फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वो कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब सुमन घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई तू, अभी तक झाड़ू नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूं और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई, और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूं फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है, और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है, और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। सुमन यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर सुमन दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज सुमन से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो सुमन बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेंगे, और अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आते ही होंगे। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर सुमन को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और सुमन
उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे। तभी अचानक सुमन की सास मंदिर से लौटकर घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, अरे निराधार, ये कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहां आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठा कर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर सुमन से कहने लगी, तुमने साधु को भोजन कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो सुमन डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर सुमन को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर सुमन दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर सुमन ने सोचा, अब यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। सुमन भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर सुमन वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो सुमन ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, वो लोग तुम्हें इसीलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चला जाता है। फिर सुमन अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोच ही रही थी तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बांझ पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर सुमन अपने मन में सोचने लगी, अब से इसी जंगल में रहेंगी। फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में सुमन के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो सुमन ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर सुमन ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ संबंध बनाया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके सुमन पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए सुमन उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे सुमन बैठी थी। फिर वो राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के खदान पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूं, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती है और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ों पर सुमन भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक महिला भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के खदान पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर सुमन
पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहां तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में बांधने लगी और जितना सोना बांध सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ों पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गईं और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगे चलो अब यहां से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। सुमन अब भी पेड़ की जड़ों पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर माता दुर्गा कहानी को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहती हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता पार्वती कहती हैं, जी महेश्वरी, माता दुर्गा कहती हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर सुमन उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से जल्दी बाहर आ गई और सोचने लगी कि ये सारा सोना लेकर वो अपने घर जाएंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। सुमन ये सोच ही रही थी तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और सुमन से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? तो सुमन ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही सुमन ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो? तो सुमन ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद सुमन से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो सुमन बोली, इतना सारा सोना हम लोगों के लिए पर्याप्त है और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी सात पीढ़ी बैठकर खाते, फिर भी सोना खत्म नहीं होता। इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो सुमन ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले सुमन बैठी थी, जहां से उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर सुमन की सास पेड़ की जड़ों पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। अभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोना के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया, अब तो ये राक्षसी जान जाएंगे कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वो दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है, तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया जिसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और सुमन कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह वहां पर सोने के लालच में चली गई, अब उनको लालच का फल मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए माता दुर्गा कहते हैं, इस तरह सुमन की सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद सुमन को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद सुमन बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने सुमन को आशीर्वाद दिया। और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुमन को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर माता दुर्गा माता पार्वती से कहती हैं, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए।
और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है, तो समझ लो जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और न ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाएं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराए मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराए मर्द को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना दान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि उनके घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन संपदा का कमी नहीं होती है। प्रिय भक्तों और मित्रों, आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जय माता दी अवश्य लिखें।